नमस्कार। नमस्कार। जन सरोकार मंच के इस संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दोहाकार नरेंद्र सिंह मदनावत से। आपकी अब तक चार पुस्तकें प्रकाशित हुई है, जिसमें दो पुस्तकें दोहा पे है। आश्चर्यजनक बात यह है कि आपने सत्यनारायण व्रत कथा को भी संपूर्ण दोहा विधा में लिखा है, जिसके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं, वितरित हुए हैं और लोगों में बहुत लोकप्रिय है। ऐसे ही अभी हाल में आपकी एक और दोहा संग्रह प्रकाशित हुआ है, परिदृश्य, जिसमें लगभग 870 के करीब दोहे हैं। जैसे ही हम दोहा विधा की बात करते हैं तो हमारे जेहन में कबीर, रहीम, रेदास, सूरदास आदि आते। तो इसका कारण ये है कि हमको स्कूल शिक्षा में या आगे की पढ़ाई में, उच्च शिक्षा में दोहों के बारे में बताया गया, उनके दोहे हमको पढ़ाए गए। वरना अनेक लोगों ने बहुत अच्छा लेखन किया है दोहा विधा के अंदर और गीतिका के अंदर। दो पंक्तियों में गहरी और गंभीर बात करने की इस कला शिल्प में अगर अकादमिक रूप से देखें तो थोड़ी कठिनाई आती है, परंतु नरेंद्र सिंह मदनावत ने आसानी से इस विधा को अपने शिल्प के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा साध लिया है। पहले मैं आपका कुछ परिचय दे दूं, उसके बाद में कुछ दोहे सुनेंगे और साथ में कुछ गीतिका सुनेंगे। नरेंद्र सिंह मदनावत ने एमए किया है और बीजेएमसी स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार माध्यम में कोर्स किया है। आपका जन्म 16 फरवरी 1955 को हुआ। पिता का नाम स्वर्गीय ठाकुर विपत्ति सिंह और माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती चंद्रवती देवी है। आपकी चार प्रकाशित कृतियां हैं, श्री सत्यनारायण व्रत कथा जो संपूर्ण कथा है वो दोहे में, अंकुर श्रेष्ठ बाल गीत गीत की विभिन्न विधाओं में, अनाया से वो गीतिका एवं गीत संग्रह है, और साथ में ये अभी हाल ही में प्रकाशित हुई परिदृश्य जो दोहा विधा में। आप समय समय पर आकाशवाणी में प्रसारण होता रहा है आपका। आकाशवाणी के इंदौर, उदयपुर, बांसवाड़ा केंद्रों में कविता और वार्ताएं लगातार प्रसारित होती रहती है। स्थानीय गोफन टीवी में भी अनेकों बार आपका प्रसारण हुआ है। संपादन की दृष्टि से देखें तो बड़ी श्रेष्ठ कार्य किया है, अनेक ग्रंथों का, पुस्तकों का संपादन किया है। काव्य संकलन में बंधन, तेवर, कुलांचे, माही के किनारे, तर्कस, सहज, डंको और एक साहित्यकार परिचय कोश, जिसमें बांसवाड़ा जिले के साहित्यकारों का परिचय दिया गया। ये बांसवाड़ा में पहली बार अनूठा कार्य हुआ और आज तक किसी ने ये काम नहीं किया। सम्मान की दृष्टि से देखे तो साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा हिंदी काव्य विभूषण मानद उपाधि से विभूषित किया गया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद बांसवाड़ा द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक मेला समिति इंदौर, नेहरू युवा केंद्र बांसवाड़ा, अदबी सभा बांसवाड़ा, रोटरी क्लब बांसवाड़ा, दीप शिखा साहित्य संगम एवं मणि बावरा स्मृति समारोह समिति बांसवाड़ा द्वारा वाघवरी सम्मान, साहित्यिक संस्था मुक्तक लोक लखनऊ द्वारा लोकभूषण सम्मान 2017 में एवं वाग्देवी हिंदी सेवी सम्मान 2021 में दिया गया। काव्यसुधा साहित्य सम्मान बांसवाड़ा द्वारा दिया गया। वर्तमान में आप मां सरस्वती साहित्य परिषद के अध्यक्ष हैं। बांसवाड़ा की एक सक्रिय संस्था रही है और राजस्थान साहित्य अकादमी के सहयोग से अनेक कार्यक्रमों का इस संस्था ने आयोजन किया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पसंद के कुछ दोहे सुनाए। जी जी, आज के संवाद हेतु जन सरोकार मंच टॉक और गांधी लेखक व कथाकार भारत दोषी का
हार्दिक आभार करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। आज समाज पर मीडिया हावी है, विज्ञापन का युग है, साहित्यिक सोच समझ और रूढ़िवादिता को कहकर दरकिनार कर दिया गया है। साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं व पाठकों के अभाव में प्रकाशन बंद हो गया है या बंद होने के कगार पर है। अब गंभीर चिंतन हेतु शायद किसी के पास समय नहीं है। कोई कविता सुनना चाहता है तो केवल मनोरंजन के लिए, कोई चर्चा करना चाहता है तो केवल आर्थिक संपन्नता हेतु, कोई सहयोग करना चाहता है तो पहले यह देखता है कि स्वार्थों की पूर्ति कहाँ तक होती है। साहित्य को समर्पित व्यक्तियों को अनुपयोगी कहकर नकारा जा रहा है। ऐसे समय में जन सरोकार मंच टॉक ये संवाद के माध्यम से लोगों जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं प्रारंभ में कहना चाहूंगा कि साहित्य और साहित्यकार को लेकर मेरे मन में किसी प्रकार का द्वंद या प्रतिमान नहीं रहा है। मेरा मानना है कि जो सबके हित की बात करता है, सबके हित में सोचता है या संसार में व्याप्त विभिन्न विषमताओं या आनंद अनुभूति को समयानुसार अनुभव करता है वही साहित्यकार है और उनके समस्याओं के निराकरण हेतु समृद्धि हेतु अपनी लेखनी के माध्यम से सतत प्रयत्नशील रहता है वही साहित्यकार है। बहुत सारी बातें हैं लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि मैं कुछ अपनी कविताएं रखूं तो मैं अपने कुछ पहले छड़काएं आपके सामने रखूंगा जी, जी। जिसके माध्यम से देखें कि जी हाँ पहले छोटी छोटी कविताएं छड़काओं का चलन था। उस समय मैंने ये कविताएं छोटी छोटी लिखी थी तो ये मैं छोटी कविताएं आपके सामने रख रहा हूँ। देखें एक जैसे प्रतिमा इसका शीर्षक है प्रतिमा। हाँ तुम्हें चौराहे पर स्थापित कर, तुम्हें चौराहे पर स्थापित कर यातायात को स्वविरस्थित करना, पक्षियों का ठिकाना या जमीन को हत्याना नहीं था हमारा उद्देश्य। तुम्हें प्रतिमा हाँ कविता का शीर्षक है प्रतिमा। तुम्हें चौराहे पर स्थापित कर यातायात को सुव्यवस्थित करना, पक्षियों का ठिकाना या जमीन को हत्याना नहीं था हमारा उद्देश्य। दूसरी छड़का है पानी। कब कब क्या क्या सिखाता रहा पानी का रिसना, कि कब कब क्या क्या सिखाता रहा पानी का रिसना, पानी का टपकना झरना ठहरना लेना हिलोरें और बह जाना। कब कब क्या क्या सिखाता रहा पानी का रिसना, पानी का टपकना झरना ठहरना लेना हिलोरें और बह जाना। अब क्या पता क्या रंग लाएगा इंसानियत से पानी का सूख जाना, इंसानियत से पानी का सूख जाना। और अगली छड़का देखें हवा। पहले हवा चला करती थी, पहले हवा चला करती थी अब हवाएं चलती हैं। पहले हवा चला करती थी अब हवाएं चलती हैं। तब डरते थे लोग प्राकृतिक आपदाओं से, अब स्वनिर्मित क्रिया प्रतिक्रियाएं चलती हैं। अब हवाएं चलती हैं,
पहले डरा करते थे लोग प्राकृतिक आपदाओं से, अब स्वनिर्मित क्रिया प्रतिक्रियाएं चलती हैं, अब हवाएं चलती हैं, पहले हवा चला करती थी। बहुत अच्छा। और एक छोटी सी झड़का और, लेखनी जिसका शीर्षक है लेखनी, चंदन है लेखनी जो घिसने पर देती है शीतलता, चंदन है लेखनी जो घिसने पर देती है शीतलता और करती है तृप्त वेदना संवेदनाओं को, लेखनी लेखनी है, लेखनी लेखनी है जो बना देती है कुछ लकीर अतीत के लिए, लेखनी लेखनी है जो बना देती है कुछ लकीर अतीत के लिए, वर्तमान में भविष्य की सुख लिए, लेखनी जिज्ञा है, लेखनी जिज्ञा है भूत और वर्तमान की, लेखनी सृष्टा है भविष्य काल की, लेखनी सृष्टा है भविष्य काल की, बाणी है विचारों के मंथन की, बाणी है विचारों के मंथन की, मन के द्वंद्वों की, जीवन में बनते बिगड़ते दिन प्रतिदिन के छंदों की, लेखनी चंदन है जो किसने पर देती है विशलता। आपकी गीतिकाएं भी बहुत लोकप्रिय रही है। हाँ। जैसे गीतिका है पहला जो अनायास जो आपका प्रकाशन है उसमें पहली पहली जैसे गीतिका है, देखते हैं न सपन, सपन देखते हैं न सपन, न कोई बवाल लेते हैं, दिन बुरे हो तो उन्हें भूखे निकाल देते हैं, ये सुना है तो? हाँ बिल्कुल, अभी सुनाऊंगा। भारत जी मेरा मानना है कि कविता कभी सायास नहीं होती, बल्कि समय वातावरण अवसर परिस्थिति अनुकूलता प्रतिकूलता में अनायास ही प्रस्फुटित होती है। जैसे नदी चलते चलते गाने लगती है, मौसम बेमौसम बादल घुमड़ने लगते हैं, कभी टप टप तो कभी गर्जना के साथ अनायास ही झमाझम बारिश होती है, ऐसी ही कविताओं का अंकुरण और पल्लव होता है। तो ऐसी ही इस अनायास में कुछ गीतिकाएं हैं जिनको मैं रखता हूँ। आपने जिसकी जिज्ञासा प्रकट की है पहले वो गीतिका, फिर कि देखते हैं न सपन, देखते हैं न सपन न कोई बवाल लेते हैं, देखते हैं न सपन कोई बवाल लेते हैं, दिल बुरे हों तो उन्हें भूखे निकाल लेते हैं, देखते हैं न सपन न कोई बवाल लेते हैं, दिन बुरे हों तो उन्हें भूखे निकाल लेते हैं, अनुभव से जिंदगी में, अगला कह रहे हैं कि अनुभव से जिंदगी में है झील सी खामोशी, अनुभव से जिंदगी में है झील सी खामोशी, चलते हैं राह अपनी न उड़ता सवाल लेते हैं, चलते हैं राह अपनी न उड़ता सवाल लेते हैं, दिन बुरे हों तो उन्हें भूखे निकाल लेते हैं, उभरने ही नहीं देते, अगला देखें कि उभरने ही नहीं देते चेहरे पे सिकंद कोई, उभरने ही नहीं देते चेहरे पे सिकंद कोई, वक्त जैसा भी रहे खुद को ढाल लेते हैं, वक्त जैसा भी रहे खुद को ढाल लेते हैं, वेदनाएं वेदनाएं भी मिले तो ईश्वर ही भरोसा है। कई बार बहुत आदमी दुखी हो जाता है, तो वेदनाएं भी मिले तो ईश्वर ही भरोसा है, सुलझती न दिखे तब तब इक्का उछाल लेते हैं, सुलझती न दिखे तब तब सिक्का उछाल लेते हैं, दिन बुरे हों तो उन्हें भूखे निकाल लेते हैं, कि मकसद बची उम्र का, अपनी उम्र इतनी हो गई है तो उसी को लेके ये, कि मकसद बची उम्र का सबके लिए दुआएं, बाबा को बुढ़ापे में बच्चे संभाल लेते हैं, मकसद बची उम्र का सबके लिए दुआएं, बाबा को बुढ़ापे में बच्चे संभाल लेते हैं। बहुत अच्छी रचना है।
आपकी जो ये रचनाएं करते हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या रहती है, मतलब कैसे लिखते हैं, क्या एकदम से अनायास लिखते हैं या बाद में कोई संशोधन भी होते हैं, या एक बार लिख दिया तो हो गया पूरा? ये हाँ जी ये बाला जी, मैं जो है ना कवि, ये पढ़ने से पहले ही मैंने आपको कहा था कि हाँ कभी कविता जो है ना वो सायास नहीं हो पाती है, बल्कि हाँ समय, वातावरण, परिस्थिति, अनुकूलता हाँ में ऐसा अनायास होता है कि कविता जो है ना वो शब्द या जो अपनी संवेदनाएं हैं, भाव एकदम हैं, सही वो कविता के रूप में प्रस्फुटित होने लगते हैं। बाकी कोई ऐसा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई ऐसा साहित्यकार बड़ा नहीं हूं, न कभी मैंने ऐसे साहित्य को इस तरह से लिया है, पर लेकिन ये ईश्वर की देन है या हाँ ये समाज का, जो जिस समाज में अपन रहते हैं, मेरी कविता इस समाज के आसपास ही घूमती है, जो भी मैं देखता हूँ वही लिखता हूँ। मैंने कोई जो है ना किसी कभी गंभीर विषय पर ऐसा लिखा नहीं है। जैसे इसी ये जो अनायास है ना, इसमें ही आपकी एक रचना है 48 नंबर की, बूंद बूंद जोड़ने गांव छांव खो दिए, हाँ, रोजगार के लिए तात मात खो दिए। वो बड़ी अच्छी रचना आजकल है, क्योंकि आप तो गांव से ही आए हैं, बांसवाड़ा में आए हैं, गांव छोड़ करके आजकल उस भाव आजकल आप। जो हमारे जी नई पीढ़ी के सामने जो रोजगार की समस्या है, वो आदमी कहीं रहता है और फिर रोजगार की तलाश में कहीं जो है ना सबको छोड़ छाड़ करके जो है निकल पड़ता है, बिल्कुल उस उन्हीं भावों को समेटे हुए ये रचना है। देखें जी हाँ जी, कि जो बूंद बूंद गांव में जोड़ने। अपन का जो हाँ वातावरण रहता है, वो देखें कि बूंद बूंद जोड़ने गांव छांव खो दिए, हाँ बूंद तो बूंद जोड़ने। एक 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 बूंद की जो है लालसा में, कि बूंद बूंद जोड़ने गांव छांव खो दिए, रोजगार के लिए तात मात खो दिए, पूरे परिवार को छोड़ करके रोजगार के लिए कहाँ कहाँ आज भटकना पड़ता है, उसी संदर्भ में है ये कि बूंद बूंद जोड़ने गांव छांव खो दिए, रोजगार के लिए तात मात खो दिए, कि हाथ 7 डिग्रियां काम की न तकतियां, हाथ 7 डिग्रियां काम की न तकतियां, भावना अनेक थी भाव ताव खो दिए। बहुत जब डिग्री अच्छा। लेते हैं तो हाँ कितनी भावनाएं मन में होती हैं, सही बात है। कि हाथ 7 डिग्रियां काम की न तकतियां, भाव ना अनेक थी भाव ताव खो दिए, कि आसमान देखती जमीन पे टिकी नहीं, कि आसमान देखती जमीन पे टिकी नहीं, पंख थे उड़ान को खुले नहीं खो दिए। जो अपनी इच्छाएं थी जो सेवा की और जो हाँ रोजगार जी और समृद्धि की, वो सब हो गए। समाप्त होती दिखी, तो तब मैंने ये कहा कि आसमान देखती जमीन पे टिकी नहीं, पंख थे उड़ान को खुले नहीं खो दिए, रेवड़ी बटी बहुत मौन कौन तोड़ता। किस किस को नौकरी मिल जाती है, कैसे मिल जाती है, सही बात आजकल भी जो है ना बहुत सारे इसके प्रकरण अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं, समाज में देखने को मिलते हैं, कि रेवड़ी बटी बहुत मौन कौन तोड़ता, भीड़ भाड़ चीरते ज्ञान शान खो दिए, कि रेवड़ी बटी बहुत मौन कौन तोड़ता, भीड़ भाड़ चीरने ज्ञान शान खो दिए, रोजगार के लिए तात मात खो दिए, कि मामलात आज भी वो समय और ये समय, कि मामलात आज भी खौफनाक हो रहे, मामलात आज भी खौफनाक हो रहे, आदमी जुगाड़ में रीत नीत खो दिए, बूंद बूंद जोड़ने गांव छांव खो बहुत दिए, अच्छी बात। आदमी जुगाड़ में रीत नीत खो दिए। आज भी आदमी अपनी जुगाड़ करने के लिए वो नियम और सभी संस्कारों को भूल जाता है। एक इसमें गीतिका है,
मैं आपके पसंद की आपको, जो भी, जी, हाँ वो मैं आपको जो है ना सुनाना चाहूंगा। बहुत डर है जवाने में, पर मेरी कविताएं सब जो है ना कहीं दूसरी जगह साहित्य से जुड़ी हुई है उससे, वर्तमान समाज में जो आजकल घटित हो रहा है और जो चल रहा है चार, मैं उसी को देखता हूँ और वो ही मैं लिखता हूँ। और मेरी सब भाषा शैली भी वो ऐसी है कि जो जन सामान्य की सही बात, समझ से बाहर एक भी कोई शब्द मैं न प्रयोग करता हूँ न मेरे को आता भी नहीं। कि बहुत डर है जमाने में, देखें ये गीतिका, कि हाँ बहुत डर है जमाने में तुम्हें क्या क्या बताएं हम, क्या बहुत डर है कहते हैं, जमाने में तुम्हें क्या क्या बताएं हम, डटे बेखौफ हैं फिर भी तुम्हें क्या क्या बताएं हम, हाँ बहुत बड़े डर है जमाने में तुम्हें क्या क्या बताएं हम, डटे बेखौफ हैं फिर भी तुम्हें क्या क्या बताएं हम, सुबह अखबार के पन्ने, कि सुबह अखबार के बात, पन्ने लहू की बात करते हैं, सुबह सही अखबार के पन्ने लहू लहू की की बात करते हैं, बात बात करते हैं, कोई यदि पूछ बैठे तो उसे क्या क्या सुनाएं हम, हाँ बहुत कोई अच्छा, यदि पूछ बैठे तो उसे क्या क्या सुनाएं हम, डटे बेखौफ हैं फिर भी तुम्हें क्या क्या बताएं हम, कि गगन छूते मकानों से, आज जो हाँ शहरीकरण है, कि गगन छूते मकानों से भरा सारा शहर दिखता, कि गगन छूते मकानों मकान से, से भरा सारा शहर दिखता, नहीं है बाग और बगिया तुम्हें क्या क्या दिखाएं हम, तुम्हें बात अब क्या दिखाएं अब, गगन छूते मकानों से भरा सारा शहर दिखता, नहीं है बाग और बगिया तुम्हें अब क्या दिखाएं हम, कि सड़क पर दौड़ते बाहर, जो पर दौड़ते वहां, आज सभी जगह ये खबरें आती हैं, जाम लगा 15 मीटर, 15 किलोमीटर का जाम लग गया, 8 किलोमीटर, वही कि सड़क पर दौड़ते वाहन सदा यमराज से लगते, कि सड़क पर दौड़ते वाहन लगते सदा यमराज से लगते, अकाली मौत के फंदे कहाँ क्या क्या बचाएं हम, सड़क पर दौड़ते वाहन सदा यमराज से लगते, अकाली मौत के फंदे कहाँ क्या क्या बचाएं हम, बहुत डर है जमाने में तुम्हें क्या क्या बताएं हम, अच्छा, बरसती है बहुत दौलत, आज बस पैसे की कोई कमी नहीं, ठीक बरसती है बहुत दौलत मगर बीमार है रिश्ते, बरसती है बहुत दौलत मगर बीमार है रिश्ते, जुड़ी है सात लाचारी यहाँ क्या क्या घटाएं हम, जुड़ी है सात लाचारी यहाँ क्या क्या घटाएं हम, बहुत अच्छा, जुड़ी बहुत है। अच्छा। आप अपनी ये रचनाओं में क्या ऐसा लगता है आपको कि आप अपने आप को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर पाए हैं, या कुछ रह गया ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीजें अभी भी कहने के लिए है? वैसे तो हमेशा ही रहती है कहने के लिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अपनी रचनाओं में आप पूर्णतः अपने आप को व्यक्त कर पाए? ऐसा है, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि मैं जब शुरू शुरू में मैं जब कविता लिखने का प्रयास किया तो हम जिस विषय पे भी सोचते उस पर ही किसी ने कुछ भी लिखा हुआ होता था, तो लोग कहते थे भाई आप ऐसा विषय पे लिखो जिसने कुछ नहीं लिख किसी ने कुछ नहीं लिखा हो, या जो ने कुछ नया हो, तो उस नए नए के चक्कर में हम कुछ समझ नहीं पाए। फिर हाँ कि भाई क्या अच्छा क्या क्या लिखे, लेकिन फिर हमारी समझ में आया कि भाई एक अपनी बात कहने की एक मौलिकता, जो जिसे कहते हैं कि भाई ये मौलिकता है, तो हाँ सब बिल्कुल हर किसी के अपने बात कहने का एक अंदाज होता है, सही बात वही मौलिकता होती है, एक विषय पे बहुत सारे लोग कह चुके होते हैं, सही बात लेकिन है, हाँ तो बिल्कुल अपने अपने ढंग से जो बात कही जाती है तो वही है। और लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाई कुछ रह गया है, क्योंकि
रहने को तो अब जब तक हम समाज में हैं, जो भी अपने आसपास देखते हैं वही मेरे साहित्य में होता है, बाकी मेरा साहित्य कहीं और अलग से है नहीं। मैं तो ये समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, समाज में रहता हूँ, तो जो समाज में देखता हूँ वही लिखता हूँ। सही है। तो आपकी जो दोहे हैं वो कुछ सुना है? देख, अकाल पे भी हाँ लिखा है, दूसरी चीजों दूसरे विषयों पे भी लिखा है। दोहा विधा वैसे थोड़ी सी कठिन है, मात्राओं का ध्यान और वो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो आपने आपने किसी सीखी ये विधा या ऐसे पढ़ करके सीखे? या दोहा विधान के संबंध में मैं आपको बताऊं कि ये विधा बहुत जो है ना, एक एक तरह से अपन कहें तो काफी मतलब गंभीर और गहरी विधा है, लेकिन लोग इसको जो है ना 13-11 में ले लेते हैं कि भाई 13-11 हमने लिख दिया और वो दोहे हो गया। एक्चुअल वास्तव में 13-11 तो एक उसका ढांचा है, जो छंद है ये तो 13-11 तो एक छंद का ढांचा है। लेकिन जो उसमें जो चार चरणों और दो पंक्तियों में जो भाव होता है वो एक एक समग्र को समेटने का प्रयास होता है। एक ही दोहा चार दो लाइनों में पूरी बात कह देता है, जो भी कहना चाहता है कभी उसमें। दो बातों में ही अपने को पूरी बात कह देनी पड़ती है, पूरा समेट देना पड़ता है, जो भी है आपका जितना भी भाव है। तो दोहा मैंने शुरू शुरू से लिखना के लिए धीरे धीरे मेरे को प्रैक्टिस होती गई, और ये भाव का जो समेटना है वो तो धीरे धीरे करते करते अभ्यास के ही जो है ना सीखा जा सकता है। बाकी जो छंद की जो गणना है, अगर किसी को मात्रा मात्राएं गिनने का ज्ञान है, मात्रा की गिनती अगर वो कर सकता है, जो छंद में जो गण होते हैं गण का उसको ज्ञान है, तो वो दोहा कर लिख सकता है। बाकी 13-11 करने से मात्राएं तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन उसका भाव भाव बहुत गंभीर चीज होती है। जैसे कबीर ने उन्होंने लिखे तो क्या ये जो अकादमिक जो 13-11-24 होने चाहिए इस पे ध्यान थोड़ी दिया होगा? नहीं, वो सब पूरा है, पूरा है, वो ऐसा नहीं है कि वो ध्यान नहीं दिया उन्होंने, वो ज्ञाता थे उसके, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ वो जो है ना ऐसे ही उन्होंने लिख दिया। वो आज भी दोहे जो है ना काल भी दोहे हैं, तो वो ऐसे दोहे नहीं है कि भाई उन्होंने ध्यान नहीं रखा था, उन्होंने ध्यान रखा तभी ये विधा जो है ना सबसे आज तक जीवित है, और वो दुआ का के नाम से जो है ना प्रसिद्ध है, लोग उनसे सीख रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्राचीन काल में तो जो श्लोक प्रारूप है वही दोहे वही दोहा के रूप में आ गया है। नहीं देखो ऐसा है कि श्लोक जो था वो मेरा मानना श्लोक जो थे वो ज्यादातर संस्कृत में थे, और संस्कृत जन सामान्य की भाषा कभी नहीं रही। सही बात है, जो अपनी क्षेत्रीय भाषा थी वो जगह 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 अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा थी, तो वो जब उसको क्षेत्रीय भाषाओं में लाए, और जो हमारा रीत काल और भक्ति काल था, भक्ति काल में दोहों के माध्यम से पहले क्या है कि लिखा नहीं जाता था, पहले सिर्फ बोल के पढ़ के सुना के ही जो है ना उनका उनको वो किया। हाँ हाँ, उनको लिखना नहीं था, तो दोहा क्या है कि आसानी से उसको याद भी रखा जा सकता है और उसको याद किया जा सकता है, और स्वयं उसका संप्रेषण बहुत गहरा होता है दो पंक्तियों का, इसलिए जो है ना दोहा मूल मूल रूप से संस्कृत में नहीं आया, ये हिंदी में है, हिंदी जब क्षेत्रीय भाषाओं में आया और क्षेत्रीय भाषाओं से धीरे धीरे करके हिंदी में आया गया। अब उर्दू वाले लोग भी दोहा लिखने लगे, कई तरह के दोहे जो है ना उन्होंने वो कई अपनी तरह से दोहे लिखने लग गए। सही है। इसमें जो आपकी परिदृश्य जो संग्रह है उसमें नदी और नींद और
इस पे भी दोहे लिखे हुए हैं, तो उसमें से कुछ वो तो सुना है है। देखे। जी हाँ जी अगर उसमें देखो से कुछ, मैं या आपको सुनाता जो हूँ भी। आपको। हाँ कुछ दोहे मैं आपको सुनाता हूँ। जी देखिए बहुत कि सच कहना भी आजकल, सच हाँ, सच के नाम आज कहना भी आजकल के है हिम्मत का काम। सच नाम। हाँ सही बात है जी। कहना भी आजकल है हिम्मत का काम। वर्तमान वातावरण समाज का विस्मय हुआ तमाम। बिल्कुल सही बात है भैया। सच सच कहना भी आजकल है हिम्मत का काम। वातावरण समाज का विस्मय हुआ तमाम। सही बात कि दूसरा दुआ देते हैं जी। कि सभी बड़े हैं प्रकृति में, कोई पावन शेर। प्रकृति ने सभी को समान रूप से पैदा किया है, सभी का समान रूप से पालन पोषण करती है। सभी बड़े हैं प्रकृति में, कोई पावन शेर। भेद हमारी नजर का और समझ का फेर। बहुत अच्छा। भेद हमारी नजर का और समझ का प्रेम। कई बार हम जो है ना प्रयास करते हैं कि बहुत सारी चीजों को एक साथ समेट लें, लेकिन वो नहीं समेट पाते। तो सही उसको बात है। लेकर के मैंने एक दुआ कहा है, देखें कि प्रगट करें एहसास को शब्द न देते साथ। प्रगट करेक्ट। करें एहसास को शब्द न देते साथ। बांधे कैसे धूप को मुट्ठी में ये हाथ। बहुत अच्छा। प्रगट करें एहसास को शब्द न देते साथ। बांधे कैसे धूप को मुट्ठी में ये हाथ। और एक वातावरण आज का जो है। हाँ एक दोहा जो मुझे मोटिवेशनल लगा, मैं सुना देता, आपका ही दोहा है। हाँ नापी उसने दूरियां हाँ जिसने भरी उड़ान, नापी बिल्कुल उसने दूरियां हाँ जिसने भरी उड़ान, लक्ष्य भेद कर ही रहा चूर हुई चट्टान। लक्ष्य भेद कर ही रहा कर चूर ही हुई रहा चट्टान। चूर हुई चट्टान। बहुत हाँ बहुत ये अच्छा दुआ, दोहा है तो। बड़ा हाँ ये मेरा आजकल दुआ का है। जो लोगों को बड़ा हाँ बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, जैसे कोटा में उधर तो लोग बच्चे बीच रास्ते में ही सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे में ये हाँ ऐसे दोहे बड़े। जी परिश्रम तो करना ही पड़ता है उसी को हाँ लेकर के। एक जो है ना, कई लोगों को जो निराश हो जाते हैं, हाँ उनको उनको निराश नहीं होना है। हाँ ऐसा उस दोहे के माध्यम से संदेश देने बहुत का प्रयास अच्छा। किया जी है जी जी कि एक दुआ और देखें कि व्यथा कथा संसार की। व्यथा आजकल जो हाँ संसार का वातावरण है, जो हाँ अपने जगत का वातावरण है, उसको लेकर के ये दुआ मैंने पूरा शब्द समेटने का कोशिश किया है कि व्यथा कथा संसार की गाता है अब कौन। व्यथा कथा संसार की गाता है अब कौन। अपनी अपनी चाहते रहते हैं सब मौन। कि बिल्कुल सही, अपनी बहुत अच्छा। अपनी चाहते रहते रहते हैं हैं सब सब मौन। मौन। अभी जो दिल्ली में जो पहलवान लड़कियां हैं वो बैठी हुई है अपनी मांगों को लेके यौन शोषण के खिलाफ, उस पे भी बड़ा आपका एक दोहा जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे को ये ध्यान में आया, ये दोहा आपका। रावण भी अदना लगे देख धरा पर पाप, रहे कहां ये बेटियां थे घर में भी सांप। भी साफ। बहुत बढ़िया है तो हाँ आज पे। रावण भी अदना लगे, हाँ रावण भी भी अदना अदना लगे लगे देख धरा के पास। रहे कहाँ यह हाँ ये बेटियां बेटी, हैं घर में भी साफ। बहुत वो अच्छा। ये जो आजकल कुछ अखबारों में अपन पढ़ते रहते हैं कि हाँ बाप ने ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया, हाँ अपने सही बात है। रिश्तेदार ने, भाइयों कल ने जो है ना जो ऐसे करने। तो तब ये दोहा जो है ना मैंने कहा कि रहे कहाँ यह बेटियां। कोई कहते हैं कि घर को सुरक्षित मानते हैं, भाई घर से मत निकलो। हाँ, घर से नहीं निकलना। अब वो जगह भी सुरक्षित नहीं है। रहे हाँ, घर में भी दिक्कत हो गई। कहाँ यह बेटियां हैं घर में भी सांप। बहुत। आपने पहली रचना कौन सी लिखी, कुछ याद है क्या, कोई कविता कहानी दोहा?
गीत। पहली रचना मैंने बहुत पहले जब मैं पढ़ता था तो मैंने एक देशभक्ति पे एक रचना लिखी थी, देशभक्ति की, जो मैंने मेरे विद्यालय में सुनाई थी। तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने कहा था कि आप आगे प्रयास करो लिखने का। तो फिर मैंने ये शुरू किया था, तो उस समय अब वो रचना कहाँ है। समय की तो कोई अपने सहज की सच्ची नहीं। वो सन 71 की बात है, जब जब बांग्लादेश को आजाद कराया था अपनी भारतीय सेना ने। हाँ, एक और कोई दोहे सुनाए तो। हाँ, एक दुआ देखें कि जिनको काम करना तो आता नहीं है और लेकिन दूसरे में खोट बताते हैं, जो अपने वहाँ कहते थे, तो उसको लेकर के कि देखें एक दुआ कि खोटे सिलबट्टे सभी, कि खोटे सिलबट्टे सभी कह करता परिहास, खोटे सिलबट्टे सभी कह करता परिहास, घिसने का जितने नहीं किया कभी अभ्यास, जितने का जितने नहीं किया अभ्यास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप तो काव्य गोष्ठियों में जाते रहते हैं, तो इतने सालों में कुछ कितना क्या बदलाव लग रहा है आपको? जी, काव्य गोष्ठियों में जो हमारे, मैं आपको बांसवाड़ा के स्तर पर बताऊं, जो अभी लोग काव्य गोष्ठियों में जो अब अपने अपने हिसाब से सब लिखते हैं, पर काव्य गोष्ठियां अब ज्यादा मेरे को जो लगती नहीं है कि जो लोग कुछ सोच के लिख रहे हैं या विचार के लिख रहे हैं। काव्य गोष्ठियों में कई लोग तो ऐसी कविताएं लेके आते हैं कि भाई अभी अभी मैंने रास्ते में कविता लिखी है और आपकी कविता सुना रहा हूँ। कविता कविता कोई ऐसे नहीं लिखी जाती है, न ऐसे पढ़ी जाती है। कविता जब पैदा होती है तब कविता लिखी, कितनी जो है ना असहनीय पीड़ा और किस तरह से जो है ना वातावरण में कविता का वो होता है। नहीं, कविता कुछ, हाँ कुछ लोग जरूर हैं और वो तो हमेशा रहे हैं कि कविताएं लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं। लेकिन आपकी जो ये अंकुर श्रेष्ठ बाल गीत है, उसमें से कोई अगर रचना सुनाए, बाल कविता। हाँ, वो भी मैं सुनाऊंगा जी, बाल गीत। बाल गीत मेरी किताब आई थी जो है ना, बच्चों के लिए, उसमें गीतों का पूरा जो है ना वो वर्णन है। बच्चों पे लिखने का विचार आपके दिमाग, आपको क्यों आया यूं, बच्चों पे लिखा जाना चाहिए, ऐसा क्यों लगा? बच्चों पे लिखने का, हमारे मित्र हैं डॉक्टर बैरूलाल जी कर, जो बाल वाटिका निकालते हैं फील वाला से, और लगभग 20-21 सालों से उनकी वो पत्रिका अनवरत निकलती है। तो कुछ बाल साहित्य के जो है राष्ट्रीय सम्मेलन उनके वहाँ हुए थे, जिसमें सहभागिता करने का अवसर मेरे को भी मिला था। तो उस समय मैंने ये बच्चों के लिए, उससे प्रभावित होकर के, वहाँ जो बाल साहित्यकार थे उनसे प्रभावित होकर के मैंने ये बच्चों के लिए, बच्चों के गीतों की किताब तैयार की थी। इसमें से मैं आपको एक बच्चों की एक कविता सुनाता हूँ, देखें। अपन लोग गांव से, अपन को बहुत जो है ना वो प्रेम होता है। आज भले ही हम शहर में आ गए, बच्चे भी गांव से शहर में आ रहे हैं, तो एक उसी और शहर और गांव के उसको लेकर के एक मैंने कविता लिखी है कि आप गांव में और शहरों में क्या अंतर है, बच्चों को किस तरह से समझ। हाँ, कि हमको अपना गांव, कि हमको अपना गांव शहर से दुगुना अच्छा लगता है, कि हमको अपना गांव
पैर पे दुगुना अच्छा लगता है। पश्चिम में नित छुपता सूरज पूरब रोज निकलता है। कि हमको अपना गांव शहर से दुगुना अच्छा लगता है। पश्चिम में नित छुपता सूरज पूरब रोज निकलता है। कि प्रतिदिन वहां सवेरा होता, कि प्रतिदिन वहां सवेरा होता, होती प्रतिदिन शाम है। सारी रात गांव सोता है, केवल दिन को काम है। कि प्रतिदिन वहां सवेरा होता, होती प्रतिदिन शाम है। सारी रात गांव सोता है, केवल दिन को काम है। अफरा तफरी भीड़ शहर में, कि अफरा तफरी भीड़ शहर में, कुछ भी पता न चलता है। हमको अपना गांव शहर से दुगुना अच्छा लगता है। और आगे देखें कि साथी संगी हिल मिल खेलें, कि साथी संगी हिल मिल खेले, नित पीपल की छांव में, हिरणय झटपट सुंदर होते चौपालों पर गांव में। कि संगी साथी हिल मिल खेले, नित पीपल की छांव में, निर्णय झटपट सुंदर होते चौपालों पर गांव में। नहीं शहर में कभी पड़ोसी कोई हिल मिल चलता है। हमको अपना गांव शहर से दुगना अच्छा लगता है। नहीं शहर में कभी पड़ोसी कोई हिल मिल चलता है। हमको अपना गांव शहर से दुगना अच्छा लगता है। और देखें कि शहर में क्या क्या साधन है और गांव में क्या नहीं है। कि अस्पताल हैं बड़े शहर में, कि अस्पताल हैं बड़े शहर में, बीमारी से लड़ते हैं छात्र यहाँ मिलों से आते, ऊंची शिक्षा पढ़ते हैं। कि अस्पताल हैं बड़े शहर में, बीमारी से लड़ते हैं छात्र यहाँ मिलों से आते, ऊंची शिक्षा पढ़ते हैं। नहीं काम सा स्वास्थ्य शहर में, कि नहीं काम सा स्वास्थ्य शहर में, बहुत आचरण खलता है। हमको अपना गांव शहर से दुगना अच्छा लगता है। कि बहुत बड़ा है शहर तुम्हारा, कि बहुत बड़ा है शहर तुम्हारा, गांव हमारा छोटा है। कि बहुत बड़ा है शहर तुम्हारा, गांव हमारा छोटा है। बड़ी अनोखी छटा प्रकृति की, पानी का ना टोटा है। हर पनघट खलियान वहां का, कि हर बनघट खलियान वहां का, मीठे सपने बुनता है। हमको अपना गांव शहर से दुगना अच्छा लगता है। पश्चिम में जहाँ छिपता सूरज पूरब रोज निकलता है। और एक बच्चों की कविता में जब इस कविता में तो आपने पूरा गांव को एकदम से बहुत अच्छे शब्द संयोजन करके और बहुत चित्रित कर दिया, जैसे सामने ही घटना हो रही ऐसा लग रहा है। बड़ा अच्छे, बहुत अच्छी कविता लिखी जी। और कोई इसी संग्रह में से अगर कोई कविता सुनाए जी। हाँ, एक मैंने उस समय दूरदर्शन पर कविता लिखी थी। आज के मुकाबले उस समय मोबाइल नहीं थे, तो बच्चों में सबसे ज्यादा उस समय प्रिय था दूरदर्शन, जिसको अपन टीवी कहते हैं। तो उस समय उस टीवी को लेकर के बच्चों के जो है ना, बच्चों के माध्यम से ये कविता मैंने कहने का प्रयास किया था। गीत है बच्चों के, बच्चों के क्यों, बच्चों को गीत ही अच्छे लगते हैं। सही बात है ये। हाँ, देखें दूरदर्शन से संबंधित एक कविता। कि घर में बैठे देखें टीवी, हमको अच्छा लगता है। कि घर में बैठे देखें टीवी, हमको अच्छा लगता है। हो छूटा ही सारा मंजर, हमको सच्चा लगता है। आज तो बच्चे मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ते। उस समय ये था,
कि उस समय ये टीवी का के लिए ही ऐसी स्थिति थी। सही बात है। हाँ, जब मोबाइल नहीं आया था कि घर में बैठे देखें टीवी हमको अच्छा लगता है, हो झूठा ही तारा मंजर हमको सच्चा लगता है, कार्टून फिल्मों का चैनल हमको बहुत लुभाता है। कि कार्टून फिल्मों का चैनल हमको बहुत सुहाता है, अभी आ रहे एक मिनट में कहते कोई बुलाता है। कार्टून फिल्मों का चैनल हमको बहुत सुहाता है, अभी आ रहे एक मिनट में कहते कोई बुलाता है, काम भले हो बहुत जरूर अपना जी कब लगता है, काम भले हो बहुत जरूरी अपना जी कब लगता है, घर में बैठे देखे टीवी हमको अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। कि देर रात तक देखे टीवी, कि देर रात तक देखे टीवी नींद हमको आती है, अगर पढ़ाई करने बैठे झट से सर चढ़ जाती है। टीवी देखते रहे बहुत रात तक कोई बात नहीं, देर रात तक देखे टीवी नींद हमको आती है, अगर पढ़ाई करने बैठे झटके सर चढ़ जाती है, मम्मी पापा का वो सारा खून यूं ही तो चलता है, मम्मी पापा का वो सारा खून यूं ही तो जलता है, घर में बैठे देखे टीवी। अरे स्थिति देखें कि विज्ञापन की धमा चौकड़ी, जो टीवी पे जो विज्ञापन आते थे, कि विज्ञापन की धमा चौकड़ी अद्भुत मस्ती भरती है, देख रहे जो पाले वह सब ऐसी मर्जी करती है। बच्चे जो टीवी पे देखते वही मांगने लग जाते, उसी माध्यम कविता के माध्यम से बात रखी है कि विज्ञापन की धमा चौकड़ी अद्भुत मस्ती भरती है, देख रहे जो पाले वह सब ऐसी मर्जी करती है, समझ गए हैं अब तो हम सब, समझ गए हैं अब तो हम सब, विज्ञापन भी चलता है, घर में बैठे देखे टीवी को अच्छा लगता है। तो सही है। और जब कोई सीरियल आता था जब नाइट चली जाती थी तब क्या होता था कि अगर सीरियल मन भावनो देख नहीं हम पाते हैं, अगर सीरियल मन भावनो देख नहीं हम पाते हैं, कभी किसी पर गुस्सा करते कभी स्वयं पछताते हैं, चलती हो जब फिल्म हमें, चलती हो जब फिल्म हमें तब बिजली जाना खलता है, हो झूठा ही सारा मंजर हमको सच्चा लगता है। सही है। टीवी की जगह मोबाइल ने ले लिए, इतना ही फर्क पड़ा। वो बिल्कुल स्थिति वो बाकी बात वो की वही है, टीवी की जगह मोबाइल आ गया है और बच्चे आज उससे चिपट गए कि उल्टी सीधी करके फैशन टीवी पर, कि उल्टी सीधी करके फैशन जब भी जिस्म मटकते हैं, फूहड़ दृश्य किसी घटना के हमको बहुत फटकते हैं। उस समय टीवी सबके सामने होता था और आज मोबाइल पर कैसे भी दृश्य आ जाए बच्चा देखता है, अपन को पता ही नहीं लगता। सही बात है। कि उल्टी सीधी करके फैशन जब भी जिस्म मटकते हैं, फूहड़ दृश्य किसी घटना से हमको बहुत खटकते हैं, बहुत शर्म आती है उस पल जोर न कोई चलता है, बहुत शर्म आती है उस पल जोर न कोई चलता है, घर में बैठे देखे टीवी हमको अच्छा लगता है, घर में बैठे देखे टीवी हमको अच्छा लगता है। ये थी बच्चों की कविताएं। आपके वैसे पसंद का दोहाकार या कहें गीतकार कौन रहा है? देखो, मैंने बड़े बड़े कवियों को सुना है, नीरज जी के गीत बहुत मेरे को पसंद थे, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा। नीरज जी को मैंने
खूब सुना। आजकल की पीढ़ी में कोई बाकी आजकल की पीढ़ी में कुमार विश्वास भी अच्छा गीत गा रहे हैं, अच्छे लिख रहे हैं, हर क्षेत्र में उनका अच्छा है। बाकी कल सम्मेलनों में तो गीतों का और उसका आजकल स्तर जो जिस तरह से गिरा है, ऐसा लगता है कि कविता कहीं ये जोकरों के चक्कर में कहीं खो गई। सही बात है। हाँ, सोशल मीडिया खा गया है। हाँ, लेकिन कुमार विश्वास आज भी यहाँ मंच पे होते हैं या वैसे भी होते हैं तो उनकी कोई पुराना गीत हो, नया गीत हो, लेकिन उसके भाव और उनकी शैली और उनका प्रस्तुतिकरण गजब का होता है। अब थोड़ा सा 5-1 मिनट है तो आपकी जो सत्यनारायण की कथा है उसको थोड़ा सा सुनते, तो कथा के कुछ कोई भी हिस्सा आपको लगे कि देखिए कथा कथा में इसमें सत्यनारायण की कथा में 5 अध्याय हैं। हाँ, तो जहाँ से सत्यनारायण की कथा के संबंध में मैंने सबसे पहले 2 दोहे कहे हैं, वो दोहे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और फिर बहुत छोटा है 1 अध्याय जहाँ, तो वो मैं आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल सत्यनारायण की कथा, कई लोगों का कहने का ये होता है भाई सत्यनारायण की कथा क्या है, उसने लीलावती ने उसको कहा, कलावती ने उसको कहा, लेकिन ये हुआ ना वो हुआ, लेकिन इसमें कथा कहाँ है, इसमें कथा कहाँ है। तो इसका सत्यनारायण की कथा का जहां तक मैं समझता हूँ कि इसमें सत्यनारायण सत्य का, अगर आप सत्य बोलते हैं, सत्य आचरण करते हैं, आपका व्यवहार सत्य है, तो वो ही नारायण है। अगर आप उसको त्याग देते हैं तो बात है। आपने जो है ना सब कुछ, भगवान भी आपका भला नहीं कर सकता। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, तो इसी में विविध कथा प्रसंगों के माध्यम से सत्य को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जनमानस तक सत्य और स्वच्छ व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है कि भाई वो इसको सुनेगा, इससे प्रभावित होगा, तो वह भी सत्य आचरण करेगा। तो देखें दो कथा के बारे में कि नारायण की यह कथा, नारायण की यह कथा देती अद्भुत चैन, तत्स्वर इसके पाठ से सुखमय जीवन रहन, धन यश मिलता भक्त को। जब आप सत्य आचरण करोगे, सत्य व्यवहार होगा कि तो धन यश मिलता भक्त को, नहीं सताता रोग, हो पूरी मन कामना बनते सहज से योग। अब इसके एक 1 अध्याय में आपने कहा है, तो मैं आपकी बात को रखते हुए ये कथा का ये 1 अध्याय जहाँ तीर्थ नैम तारण्य में वो सूत ऋषि जी का आश्रम था और वहाँ बहुत सारे महात्मा लोग इकट्ठे होते थे, एक दूसरे से संवाद होता था, तो उसको लेकर के उसी संवाद का ये अंत है। तो यहीं से ये कथा शुरू होती है कि तीर्थ नैम तारण्य में करते रित विश्राम, दिव्य सूत जी का वहाँ अति सुंदर सुखदान, तीर्थ नैम तारण्य में करते रित विश्राम, दिव्य सूत जी का वहाँ अति सुंदर सुखदान, साथम में खिलते वहीं विविध भांत के फूल, पंछी भी कलरव करें जल कुंडों के कूल, बरती शीतल पवन भी जीवन में उत्साह, वृक्षों की छाया करे विस्मृत मन के दाह, बहता आश्रम पूर्व में, बहता आश्रम पूर्व में कल कल सरिता नीर, पश्चिम में पर्वत खड़ा मिलने बहुत अधीर। ये आश्रम का एक दृश्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि होते रहते नित्य ही भांत भांत के यज्ञ, थे ऋषि मुनि अधिकांश ही सपने में सर्वज्ञ,
वेद कथा संदर्भ की चलती बातें खूब तप से सिंचित वहाँ वातावरण दू जिज्ञासा मन में उठी सोन काद के आज हे व्रत ऐसा कौन सा पूर्ण करे सब काज फल अभीष्ट जिससे मिले हो वांछित सब कार्य बोले ऋषिवर सूत जी सुनो सभी आचार फल अभीष्ट जिससे मिले हो वांछित सब कार्य बोले ऋषिवर सूत जी सुनो सभी आचार नारद जी ने विष्णु से पूछा था यह प्रश्न देवलोक के सम नहीं मृत्यु लोक में जश्न विविध योनियों में प्रकट मानव मन परिवेश अपने कर्मों से दुखी जेल रहा नित क्लेश कष्ट सभी को दे रहा तेज मृत्यु का पास इस दुख का कहते प्रभु संभव जल्दी ना कि विष्णु लोक में विष्णु थे सैया परवासी पहने थे वे प्रेम सोए बनमालाएं तीन शंख चक्र धारण किए गदा पदम के साथ स्वर्ण कंकनों से सजे उनके चारों हाथ नारद बोले हो बिनत आप ज्योति के पुण्य शक्ति आप से पा रहे जीवन रूपी कुंज आदि मध्य फिर अंत ना निर्गुण रूप अनंत आप सच पालक सदा भक्त आपके संग अभिवादन स्वीकारिए मेरा अवसर वर्ग सुनकर नारद के वचन बोले प्रभु मर्म हे मुनिवर कह डालिए शंका मन की आप कौन मनोरथ आपके करते किसका जाप नारद जी बोले तभी कर नारायण जाप मृत्यु लोक है अति दुखी उपजे लाखों पाप आती है इस भक्त को सदा आपकी याद दुख जिससे सबके मिटे कहिए वह संवाद नारायण कहने लगे उत्तम यही विचार कलयुग में कल्याण का कहता हूँ सब सार मृत्यु लोक और स्वर्ग में दुर्लभ किंतु समान बहुत पुण्यकारी यही व्रत है बड़ा महान सत्य नारायण व्रत करो रख सब नियम विधान प्राप्त मोक्ष की है अटल मनुज करे सुख पान नारद जी ज्ञाता जगा बोले मन के बैन विध विधान इसका कहें तभी मिलेगा चैन कब व्रत करना चाहिए कौन दिवस अनुकूल कहें आज भी तार से फल व्रत के सब मूल बोले विष्णु महान फिर लिए मधुर मुस्कान नारद जी अब आप ले वह सब कुछ भी जान यह व्रत हर सा दुख को बहती शांति पुआर विजय सदा सर्वत्र दे धन भी बड़े अपार दुख मिलता संतान का हो जाते सब काम बहुत प्रभावी विश्व में सत्य देव का नाम जिस दिन चाहे व्रत करो रख नारायण ज्ञान इससे मिलता व्यक्ति को सहज मोक्ष का ज्ञान पूजन कर संध्या समय तुरंत दीप सम्मान करना पूरे प्रेम से बस जीवन आसान गेहूँ आटा सेक कर पंचामृत के साथ प्रभु प्रसाद अर्पण करो जोड़ो दोनों हाथ कथा श्रवण कर प्रेम से दो श्रद्धा वरदान करना उसके बाद में
सहज भजन रत पान रात्रि जागरण का सतत जपना सत्य महान। रात्रि जागरण कर सतत जपना सत्य महान मुक्ति प्रदाता जगत में नित्य सत्य संदान। कलयुग में बस एक ही यह अति सरल उपाय व्रत रखने से शीघ्र ही मनुज क्लेश मिट जाए। प्रथम अध्याय समाप्त। जी बहुत अच्छा, आपने एक कथा को दोहों में लिख दिया, एक विधा एकदम बदल गई, बड़ा अच्छा कार्य ही तो। और आपकी बात है वो श्रोताओं तक पहुंचे इसकी कामना के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।